शिमला स्थित ऑकलैंड हाउस स्कूल फॉर बॉयज ने शनिवार को नशा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में आईजीएमसी शिमला से चिकित्सकों की टीम विशेष तौर पर आमंत्रित थी, जिसने इस मौके पर बच्चों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। शनिवार को शिमला स्थित ऑकलैंड हाउस स्कूल फॉर बॉयज ने नशा निवारण अभियान के अंतर्गत छात्रों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम स्कूल परिसर में आयोजित किया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य माइकल ए. जॉन विशेष रूप से उपस्थित रहे। विद्यार्थियों को नशा निषेध से संबंधित वक्तव्य, उनकी नशा से संबंधित जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आईजीएमसी शिमला के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से चिकित्सकों की एक टीम आमंत्रित की गई थी। इस मौके पर चिकित्सकों ने छात्रों को नशे की हानियों से अवगत करवाते हुए नशे से दूर रहने की बात कही। स्कूल के प्रधानाचार्य ने सभी छात्रों एवं शिक्षकों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। इस मौके पर छात्रों ने भी नारा लेखन और चित्रकला द्वारा नशे से दूर रहने का संदेश दिया। स्कूल के प्रधानाचार्य माइकल ए. जॉन ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को नशे से दूर रखना और उनके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य की नींव रखना है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक महीने के नशा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर बच्चों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में अवगत करवाया गया और सभी को नशे से दूर रहने के लिए शपथ दिलाई गई। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि एक महीने का पूरा एक कार्यक्रम करना है, जिसमें उन्होंने स्कूल से रिक्वेस्ट की है कि वो कुछ ना कुछ अपने यहाँ आयोजित करें, जिससे बच्चे ड्रग्स के प्रति जागरूक हों। और हमने एक टीम बुलाई है कम्युनिटी मेडिसिन की आईजीएमसी से, एंड वेरी काइंडली दे हैव एग्रीड टू कम हियर, और हम यहाँ पे कुछ कार्यक्रम करेंगे स्कूल ग्राउंड में, जिससे बच्चों को पता चलेगा कि ड्रग क्यों नहीं लेनी चाहिए। एक छोटी सी टॉक भी होगी जो डॉक्टर साहब बताएंगे बच्चों को इसके जो बुरे नतीजे होते हैं उसके बारे में। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।